हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लेके आए हैं 10th और 12th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए वो पूरी जानकारी जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके NIOS के होने वाले एग्जाम अप्रैल 2022 के ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं और आपके जो एग्जाम्स हैं वो कब से शुरू होने वाले हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों को ये भी जानने को मिलेगा कि आपका जो सिलेबस है उसमें कितने कितने नंबर के आपके क्वेश्चंस हैं और कौन से क्वेश्चंस ज्यादा जरूरी हैं, ये सब चीजें आपको जानने को मिलेगी हमारी इस वीडियो में। तो देखते रहिए हमारा वीडियो अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को NIOS के स्टूडेंट तक शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो मेरे साथ जैसी और जानते हैं उन तमाम जानकारियों को जिसके लिए आप अभी तक कहीं ना कहीं से गूगल पे सर्च कर रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे, लेकिन वो सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो आपके ये एग्जाम होने वाले हैं अप्रैल 2022 में 10th या 12th के, वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके जो ये एग्जाम होंगे वो ऑफलाइन ही होंगे जैसे हर बार होते थे। आप लोगों का एग्जाम सेंटर पड़ेगा और आपको उस सेंटर पर जाकर अपना एग्जाम देना होगा। हाँ, सिर्फ स्कूल जो स्टडी सेंटर बनना चाहते हैं NIOS का, उन्हीं को ही ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके देना है ताकि वो अपने आप को रजिस्टर कर सके एग्जाम सेंटर बनने के लिए NIOS के अप्रैल 2022 में एग्जाम होने वाले हैं जो उसमें। और दोस्तों जो आप लोगों के एग्जाम्स शुरू होंगे उसकी जो डेट है वो अभी तक जो अनाउंस की गई है या जो लग रही है वो 6 अप्रैल है, यानी 6 अप्रैल से आप लोगों के 10वीं और 12वीं के NIOS के एग्जाम शुरू होने की पूरी पूरी संभावना है। हालांकि ऑफिशियली अभी तक डेटेड अनाउंस नहीं की गई है, जैसे ही वो डेटेड अनाउंस होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा कि डेटेड अनाउंस हो गई है, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी तक जो बताया जा रहा है उसमें यही पूरी उम्मीद है कि 6 अप्रैल से आप लोगों के एग्जाम शुरू होने की पूरी पूरी संभावना है। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो आपका 10th या 12th का सिलेबस था वो रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत से बच्चों का ये कंप्लेंट आ रहा था कि उन्होंने कोविड की वजह से पढ़ाई नहीं करी है तो गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत उनका जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर देना चाहिए। बहुत से बच्चों ने एप्लीकेशन दी थी, बहुत से बच्चों ने कमेंट्स भी किए हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों का सिलेबस थोड़ा बहुत अगर कोई चेंज हुआ है तो हुआ है, नहीं तो कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है, कोई किसी भी तरीके का उसमें बदलाव नहीं आया है। मैं आप लोगों को सीधे प्रैक्टिकल करके बताऊंगा जिससे आप ये जान सकते हो कि आपके जो भी सब्जेक्ट्स आप लोगों ने भरे हैं अपने 10th या 12th में उनका जो सिलेबस आ रहा है उसमें विटेज क्या है, यानी हर चैप्टर आपका हर सब्जेक्ट के अंदर कितने कितने मार्क्स का है, क्या लेसन आप लोगों को ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है ताकि आप लोगों के मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आ सके और क्या लेसन आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सिलेबस में जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप अपने सिलेबस की पूरी इन्फॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं। सीधे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सारा का सारा प्रैक्टिकल करके, आप डायरेक्टली देख लेंगे कैसे, मैं अपने मोबाइल से आप लोगों को करके दिखाऊंगा। आप लोगों को पीसी की भी जरूरत नहीं है, सिंपल आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपने उस पूरे के पूरे सिलेबस का अपने सब्जेक्ट के हिसाब से और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आपके सिलेबस में क्या आ रहा है उस सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट वाइज सारा आपको मिल जाएगा। आप प्रॉपर उस पर क्लिक करेंगे और पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन सर ले लेंगे कितने कितने नंबर्स के आ रहे हैं और क्या उसमें लेसन में बदलाव किया गया है, कुछ उसमें से हटाया गया है, कुछ ऐड किया गया है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आइए सीधे लेके चलता हूँ आप लोगों को, मैं आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और वहां पर दिखाता हूँ कैसे आप अपने सब्जेक्ट्स चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पर NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेनी है जो है nios.ac.in। ये ओपन हो गया है इसका फर्स्ट पेज ऑफिशियल वेबसाइट का, इसको आप स्क्रॉल करके नीचे लेके आएंगे, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है लर्नर्स कॉर्नर, इस पर आप क्लिक करके सेकेंड ऑप्शन जो आ रहा है स्टडी मटीरियल इस पर आप क्लिक करेंगे। इसको दोबारा स्क्रॉल करके आप नीचे लेके आएंगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ आ रहा है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सेक्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोबारा आपको नीचे लेके आना है स्क्रॉल करके, आइए 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 आइए, सबसे लास्ट में जो ये आ रहा है आपका जनरल इन्फॉर्मेशन, इसी में ही आप देखेंगे जो सबसे नीचे से जो थर्ड है यहाँ पर आ गया आपका 10th का सिलेबस एंड सैम्पल पेपर और उसी के नीचे आ रहा है आपका सिलेबस एंड सैम्पल पेपर 12th का, सेकेंडरी हो गया आपका 10th और सीनियर सेकेंडरी हो गया आपका 12th। तो आप 10th के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो अपने हिसाब से वो सिलेबस पे क्लिक कर देना 10th के या 12th के। जैसे अगर हम 10th की बात करते हैं तो हमने 10th के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया,
अब आप इसको नीचे करके देखेंगे तो यहाँ पर सारा का सारा आपका यहाँ पर आ गया है, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर आ गए हैं। जो भी सब्जेक्ट कोड 2 से शुरू हो रहे हैं वो 10th के हैं, और जो सब्जेक्ट कोड 3 से शुरू हो रहे हैं वो 12th के हैं। तो जिस भी आप सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे उसका यहाँ पर ये PDF ओपन कर देंगे, ठीक है। अब आप सारा, जैसे हमने हिंदी पे क्लिक किया था तो अब ये हिंदी के सारे हमारे चैप्टर आ गए, बहादुर के हो गए, दोहे हो गए, गिल्लू हो गया, आह्वान हो गया है, रॉबर्ट नर्सिंग होम हो गया, सभी पे हमारा ये आ गया है। ये तो जिस पे आपको क्लिक करना है ये सारा का सारा आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे, ये सारा पार्ट के हिसाब से आ गया है, किस में क्या क्या आना है और कितने कितने नंबर के आने हैं, तो उस पे आप क्लिक करके उसको ओपन करते जा सकते हो आप, ठीक है। ये देखिए, ये हमने क्लिक किया तो उस ऑप्शन पे पूरा हमारा यहाँ पर ओपन हो गया है, इसको आप प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सारे आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपना सारा सिलेबस चेक कर सकते हो कि क्या क्या आपका सिलेबस आ रहा है, टोटल आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। लैंग्वेज हो, सब्जेक्ट हो, जो भी आपने दिए हुए हैं सारे आपके मिल जाएंगे, और उसी के ही नीचे यहाँ पर रिलेटेड लिंक्स में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस एग्जामिनेशन, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको पिछले साल के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, और उससे भी पीछे के साल के आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। उस पर आप क्लिक करके प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, कितने कितने नंबर के सवाल पूछे जा रहे हैं। बस आराम से उनकी आप प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑब्टेन करें, बस यही हमारी आप लोगों के लिए दुआएं हैं।